Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir so Singh, and today we are going to read a story, The Abraham Prize. And I'm taking this story from a book, New Broadway Course Book 4. Let's start. The Abraham Prize. Next Tuesday, We are going to have a special examination in English," said the teacher. Teacher ये एक क्लास रूम है ये सीन कुछ इस तरह कि ये एक क्लास रूम है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उनके यहाँ क्लास टीचर हैं जो कि अपने बच्चों से अनाउंस कर रहे हैं कि बच्चों आने वाले मंगलवार मतलब नेक्स्ट ट्यूजडे आने वाले मंगलवार को हमारे स्कूल में इंग्लिश का एक स्पेशल एग्जाम होने वाला है ठीक है मेनी ईयर्स अगो देर वॉज अ बॉय एट दिस स्कूल कॉल विलियम एब्राहम बहुत साल पहले इस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था विलियम एब्राहम दैट बॉय कम्प्लीटेड स्कूल एंड बिकेम अ डॉक्टर ठीक है तो उस लड़के ने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करके आज वो एक डॉक्टर बन गया है अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्प्लीटेड स्कूल तो कंप्लीटेड स्कूल का मतलब ये नहीं कि वो नर्सरी में एडमिशन ले लिया फिर उसके बाद एल के जी यू के जी फिर क्लास वन टू थ्री और फिर ट्वेल्व कर लिया उसके बाद फिर वो डॉक्टर बन गया नहीं कंप्लीटेड स्कूल कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की ठीक है पहले स्कूल फिर कॉलेज फिर प्रैक्टिस उसके बाद फिर डॉक्टर ठीक है तो वही कह रहे हैं कम्प्लीट स्कूल मतलब कि उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके आज वो लड़का एक डॉक्टर बन गया है that boy completed school and became a doctor now every year dr abraham gives a prize to the student who gets the highest mark in a special english exam theek hai matlab kehne ka hai ki अब हर साल हमारे स्कूल में इंग्लिश का जो स्पेशल एग्ज़ाम होता है और उस स्पेशल एग्ज़ाम में जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स पाता है यहाँ पे लिखा है ना सुपर सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा सुपर लेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है द ठीक है तो द हाईएस्ट मार्क ठीक है जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क पाएगा जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा उसे डॉक्टर इब्राहिम क्या करते हैं उसे डॉक्टर इब्राहिम प्राइस देते हैं गिवस अ प्राइज ठीक है अच्छा एक वर्ड होता है प्राइज ये वाला पी आर आई सी ई और एक है जो आपके बुक में लिखा भी पी आर आई जेड ई ठीक है ये होता है प्राइस और ये होता है प्राइस ठीक है इस प्राइस का मतलब होता है अमाउंट इस प्राइस का मतलब होता है अमाउंट कीमत ठीक है जैसे किसी चीज़ की कीमत कितनी होती है उसको लोग प्राइस कहते हैं जैसे कि ये कोई पेन है और वो दस रुपये का है तो हम लोग कहेंगे इस दस रुपये सॉरी इस पेन के जो कीमत है उसका जो प्राइस है ये वाला सी ई वाला ठीक है उसका जो प्राइस है वो दस रुपये है ठीक है टेन रुपीज़ है तो प्राइस का मतलब क्या जब हम किसी के अमाउंट की बात करते हैं पैसे की बात करते हैं लोग प्राइस बोलते हैं लेकिन जब हम लोग अवार्ड की बात करते हैं किसका अवार्ड तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं ये वाला पी आर आई जैडी ठीक है समझ में आया एक ये होता है, प्राइस ठीक है जैसे कि आप लोग एक वर्ड सुनेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ठीक है तो इस प्राइस सी का मतलब कीमत वाला और इस प्राइस का मतलब अवार्ड एक्ोलेड ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी डॉक्टर जब भी जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स पाता है डॉक्टर इब्राहम उसको क्या करते हैं प्राइज देते हैं ठीक है प्राइज मतलब ये अवार्ड देते हैं उसको ठीक है ये मैं समझिएगा प्राइज मतलब अमाउंट नहीं कीमत नहीं देते उसे पैसे नहीं देते उसे अवार्ड देते हैं ठीक है ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग एवरी वन वॉज रेडी फॉर द एग्ज़ाम अब वो मंगलवार आ चुका था जिस दिन इंग्लिश का स्पेशल एग्जाम होने वाला था और हर कोई सारे बच्चे हर कोई एवरी वन इज़ रेडी फॉर द एग्जाम मतलब कि हर कोई टीचर बच्चे जो भी थे वो सब लोग अब एकदम तैयार थे एकदम जोश में थे कि अरे आज तो मतलब ये करना ही है मुझे ठीक है यू हैव टू आंसर ट्वेंटी क्वेश्चन इन वन आवर द टीचर सेट एंड रिमेम्बर यू मस्ट नॉट चीट ठीक है टीचर कह रहे अपने बच्चों से बच्चों आप लोग को एक घंटे में ट्वेंटी क्वेश्चन करने हैं ठीक है ठेके? कितने घंटे में वन आवर में एक घंटे में आप लोग को ट्वेंटी क्वेश्चन करने हैं और ध्यान रखिए कोई भी क्या नहीं करेगा कोई भी चीटिंग नहीं करेगा यू मस्ट नॉट चीट ठीक है द स्टूडेंट्स बिगेन टू डू द एग्जाम वाइट चॉय अप हिस् पेंसिल एंड बिगेन टू राइट ही इजली फिनिश द फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन ठीक द स्टूडेंट्स बिगेन टू डू एग्जाम और जो स्टूडेंट थे वो लोग अब एग्ज़ाम करना स्टार्ट करके कर, कर दिए जैसे ही बैल बजते ना एग्ज़ाम का टन वैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम करना लिखना स्टार्ट करते थे यहाँ पे भी बैल बजा होगा और सारे बच्चे अपने एग्जाम करना स्टार्ट कर दिए ठीक है वाइट चॉय पिकड अपल एंड बिगैन टू राइट अब वाइट चॉय उन सारे स्टूडेंट में एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था वाइट चॉय ठीक है तो वाइट चॉय ने भी अपने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाला और वो भी पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया बिगेन टू राइट ठीक है मतलब राइट मतलब लिखना पेपर एग्जाम देने स्टार्ट कर दिया ही इजली फिनिश द फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन और उसने बहुत आसानी से बहुत आसानी से जो टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन थे उनमें से उसने फिफ्टीन क्वेश्चन बहुत आसानी से उसने कर लिया ठीक है आगे क्या कह रहा है जस्ट टेन अ पीस ऑफ फोल्डेड पेपर लैंडेड ऑन हिज डेस्क अब जब वो एग्जाम दे रहा था तभी थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ एक पीस ऑफ फोल्डेड पेपर क्या हुआ उड़ता हुआ सीधे उसके डेस्क पर आके धम से गिर गया ठीक है वॉय चॉय लुक्ड अराउंड ही सॉ वन ऑफ हिज क्लासमेट्स यंकी बाइटिंग हिज पेन एंड लुकिंग एट हिम ठीक है वॉय चॉय ने उस नोट को देखा और फिर उसने अपने चारों तरफ देखा वॉय चॉय लुक्ड अराउंड उसने चारों तरफ देखा उसने देखा कि उसका एक क्लासमेट, ही सॉ वन ऑफ हिस क्लासमेट जिसका नाम क्या था ठीक है वो क्या कर रहा था अपने पेन चबा रहा था और वो लुकिंग एट हेम लुकिंग एट हेम मतलब कि वो वॉच की तरफ देख रहा था ठीक है मतलब कहने का है कि जब वो फोल्डेड uh, पेपर जब आके वाइच के डेस्क पे गिरा तो वाच डर गया अरे ये कहाँ से आया तो उसने वो अपने क्लास मेट चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि उसका एक क्लासमेट है जिसका नाम यंकी है वो अपने पेन चबा रहा है और वॉचर की तरफ देख रहा है ठीक है वाइच यू आई ओपन द नोट इट रीड वाट इज़ द आंसर टू क्वेश्चन इलेवन ठीक है वॉचअर ने उस नोट को उठाया और उसको खोला और उसे पढ़ा उसमें लिखा होता वॉट इज़ द आंसर ऑफ आंसर टू क्वेश्चन इलेवन मतलब क्वेश्चन इलेवन का आंसर क्या होगा वाइच यू आई लुकड एंग्रली एट यंकी एंड शुक सा वॉज गुस्से से इंकी की तरफ देखा और अपना सहलाए नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ही फोल्डेड द नोट एंड थ्रू इट बैक उसने नोट को वापस फोल्ड किया और उसको वापस इंकी के डेस्क पे फेंक दिया ठीक है अच्छा थ्रू, थ्रू क्या है थ्रो का एक वर्ड है होता है ना थ्रो थ्रो मतलब फेंकना ठीक है इसी का ही पास टेंस जब हम लोग लिखते पास टेंस में लिखते हैं तो हम लोग तो इसको लिखते थ्र्यू ठीक है अभी फेंके तो थ्रो और पहले फेंके थे तो ठीक है तो यही यह, यहाँ पे ये यह लिखा है नोट एंड थ्रू इट बैग उसने नोट को फोल्ड किया था और उसने वापस फेंक दिया था What are you doing the teacher asked. और ये करते हुए मतलब जब वॉचर ने वो फोल्डेड पेपर को फेंक रहा था उसी वक्त उसके टीचर ने उसको देख लिया और देखते हुए उससे तुरंत तो पूछा वॉचर क्या कर रहे हो तुम ही वॉकड अप एंड पिकड अप द नोट फ्रॉम डेस्क वो जल्दी से गया और यंकी के डेस्क पे जो वो फोल्डेड पेपर जैसे ही वो लैंड किया उसके टीचर ने वो उस नोट को उठा लिया ठीक है अप मतलब उठाना ही रीड इट एंड सेड आई टोल्ड यू नॉट टू चीट गिव मी योर पेपर एंड लिव द रूम वॉच आई आई कॉन्ट लेट यू फिनिश द एग्ज़ाम और उसने नोट जैसे ही उस टीचर ने नोट खोला और नोट पे क्या लिखा हुआ था नोट पे लिखा हुआ था वाट इज़ द आंसर टू क्वेश्चन अलेवन ठीक है कि क्वेश्चन अलेवन का आंसर क्या होगा तो टीचर ने जैसे ही उसे पढ़ा टीचर को लगा कि वॉचर ने यंकी से ये नोट फेंक कर आंसर पूछ रहा है उन्हें लगा कि वॉचर क्या कर रहा है चिटिंग कर रहा है तो उन्होंने वॉचर को क्या बोला आई टोल्ड यू नॉट टू चीट मैंने तुमसे बोला था चिटिंग मत करना गिव योर पेपर एंड लीव द रूम वॉचर मुझे अपना पेपर दो सबमिट करो आंसर सीट और क्लास से बाहर निकल जाओ आई कॉन्ट लेट यू फिनिश द एग्जाम मैं तुम्हें एग्जाम देने नहीं दे सकता क्यूं? क्यों क्योंकि चीटिंग करना अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में ठीक है वॉच ऑय वॉक आउट विथ टीयर्स इन हिज आइज वॉच चो कि आँखों में आंसू आ गए क्यों क्योंकि वो चीटिंग तो किया नहीं था लेकिन टीचर को लगा कि वो चीटिंग किया और टीचर ने उसका पेपर सबमिट कर लिया था एग्जाम ख़त्म होने से पहले ही अभी वॉच आए के फाइव क्वेश्चन लेफ्ट थे ठीक है फाइव क्वेश्चन करने थे लेकिन टीचर ने वो पेपर ले लिया था अब वो ऐसे चाहे दुखी हो गया और वो आंखों में आंसू लेके क्लास से बाहर निकल गया ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल एंड रोड वेरी स्लोली एलोंग द रोड विथ हिज हेड डाउन वो अपना बाईसाइकिल उठाया और उसे चलाने लगा रोड ठीक है राइड का पास्ट टेंस राइड होता है राइड मतलब चलाना उसका वर्ड होता है रोड ठीक है वो चलाने लगा बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा था और विथ इज़ हेड डाउन अपना सर जैसे नीचे क्या होता है जब होते हैं ना लोग दुख में होते तो सर नीचे कर लेते हैं तो उसने भी अपना सर नीचे करके वो धीरे धीरे अपनी साइकिल को चलाने लगा एंड बिफोर ही न्यू इट ही हैड क्रैश्ड इंटू एन ओल्ड मैन और इससे पहले कि उसको पता चलता वो सामने देखता वो जा के सीधा टकरा गया किससे एक ओल्ड मैन से ठीक है क्रैश इं टू मतलब टकरा जाना देख बोथ ऑफ देम फेल डाउन और जैसे ही वॉच रॉय उस ओल्ड मैन से टकराया तो वॉच चॉय तो भी नीचे गिर गया साइकिल से और जो ओल्ड मैन था वो भी नीचे गिर गया ठीक है आई एम वेरी सॉरी सर वॉच ऑय सेट आई वॉज इंट लुकिंग वॉचा कहता है सर सर मुझे माफ़ कर दीजिए मैं मैंने देखा नहीं कि आप सामने हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा दैट्स ऑल राइट सेट द ओल्ड मैन ओल्ड मैन ने कहा कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं लेट मी हेल्प यू गेट अप सेट वॉच चॉय वॉचा कहता है सर लाइए मेरा हाथ पकड़ लीजिए मैं आपका हेल्प कर देता हूँ खड़े होने में उठने में थैंक्स बट टेल मी वाई आर यू नॉट इन स्कूल द ओल्ड मैन ओल्ड मैन खड़ा हो जाता है फिर वो है चलो कोई बात नहीं पर मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो मतलब ये तो स्कूल में बच्चे ये टाइम तो बच्चे स्कूल में रहते हैं ऐसे तो घूमते नहीं हैं ठीक है और तुम अभी बाहर हो ठीक है तो मैन ने पूछा कि वाई आर यू नॉट इन स्कूल तुम स्कूल में क्यों नहीं हो आई वॉज सेंट आउट ऑफ स्कूल सर वॉचॉइज सेट सुन ही वॉज टेलिंग द ओल्ड मैन ऑल अबाउट एंकी नोट्स ठीक है तो जब ओल्ड मैन उसे पूछता है कि बच्चे तुम स्कूल से बाहर क्यों हो तो वाइचर कहता है सर मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और उसके बाद जब ओल्ड मैन ने पूछा होगा क्यों निकाल दिया गया है तो वाइचर ने एंकी नोट्स के बारे में जो भी Uh, जितनी भी बात हुई थी कि हमारे स्कूल में इंग्लिश का स्पेशल एग्जाम चल रहा था और तभी एक मेरे क्लासमेट ने एक नोट फेंक दिया तो फिर मैंने जब वापस फेंका तो मेरे टीचर को लगा कि मैं चिटिंग कर रहा हूँ तो मेरे टीचर निकालते तो वो सारा बात जो था वो सारा बात वॉचर ने उस ओल्ड मैन को बता दिया द ओल्ड मैन वॉज लिस्ट पेशेंसली कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिड राइट द नोट ही आस्ट द ओल्ड मैन लिस्ट पेशेंसली कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिड एंड राइट द नोट ही आस्क तो ओल्ड मैन ने वॉय चॉयर का सारी बात को बहुत ही पेशेंसली सुना पेशेंसली मतलब बहुत ही आराम से एकदम ध्यान से वॉयचॉ जो भी सारी बातें बता रहा था अपने स्कूल के वो सारी बात को उस ओल्ड उस वो ओल्ड मैन सुन रहा था कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिड राइट द नोट क्या तुम अपने टीचर को ये प्रूव कर सकते हो कि तुमने वो नोट नहीं लिखा था जस्ट then वॉल noticed a लार्ज pen इन द ओल्ड man's पॉकेट और तभी वॉल चौक को उस ओल्ड मैन के पॉकेट में एक क्या दिख गया एक पेन दिख गया अ लार्ज पेन ओ यस आई कैन प्रूव दैट आई डिडेंट राइट दैट नोट ही क्राइड और तभी उसके दिमाग में आईडी आता है और वह कहता है चिल्ला कहता अरे हाँ मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने वो नोट नहीं लिखा है आई डिडेंट राइट दैट नोट वॉइचॉय रोड अप एज फास्ट एज द विंड बैक टू स्कूल और जितनी तेज़ हवा दौड़ चलता है वो उतनी तेज़ एज फास्ट एज लेकर ना यहाँ पे लेकर ना एज फास्ट एज मतलब जैसा ही जैसे हवा एकदम तेज़ी से चलती है वैसी तरह वाइज चॉय भी अपनी साइकिल उठाया वो तेज़ी से एकदम चलाता हुआ कहाँ पहुँच गया एकदम हवा की तरह वो स्कूल पहुँच गया वेन ही एंटर द क्लास रूम टीचर वॉज मार्किंग एग्जाम पेपर्स ठीक है और जैसे ही वो अपने क्लासरूम में गया दौड़ते दौड़ते वो देखता है कि उसके जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं एग्जाम पेपर को मार्किंग कर रहे हैं सर आई डिडेंट चीट इन द एग्ज़ाम सेट वॉचर और वॉचर हबरा कि कहता है सर से सर मैंने एग्जाम में चीटिंग नहीं किया है दैट नोट वॉज रिटर्न विद अ पेन एंड आई ऑलवेज यूज अ पेंसिल कहता है कि सर आप ध्यान दीजिए वो जो नोट आपको मिला था यंगी के डेस्क पे वो पेन से लिखा गया था और मैं और मैं हमेशा पेंसिल यूज़ करता हूँ आई ऑलवेज़ यूज़ अ पेंसिल इन फैक्ट आई डोंट हैव अ पेन और अगर बात देखा जाए तो मेरे पास तो कोई पेन ही नहीं है सर इन फैक्ट आई डोंट हैव अ पेन मतलब मेरे पास तो कोई पेन ही नहीं है इफ़ यू लुक एट दैंड रंग इन द नोट सर यू विल सी दैट इट्स नॉट माई हैंड और अगर आप उसकी हैंड राइटिंग उस नोट में जो हैंड राइटिंग है उस हैंड राइटिंग को भी अगर आप देखें सर तो वो हैंड राइटिंग भी मेरी हैंड राइटिंग नहीं है ठीक है इट्स नॉट माई हैंड राइटिंग इन एनी केस आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन एलेवन और अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पेन होता या फिर था मैंने उस नोट को पेन से लिखा था और मान लीजिए मैंने वो फोल्ड उसको यंकी के पास डेस्क पे फेंका था मान लेते ये भी सही होगा मान लेते हैं कि उस पर जो हैंड राइटिंग लिखी है वो हैंड राइटिंग मेरी सेम मेरे हैंड राइटिंग से है लेकिन फिर भी इन सारी बात को अगर हटा के आप देखें तो इन एनी केस आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन अलेवन अगर आप मेरे क्वेश्चन आंसर को देखें मतलब आंसर uh, शीट को देखेंगे तो उसमें आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन अलेवन को ऑलरेडी क्या आंसर कर रखा है ठीक है द टीचर चेकड वॉ चॉयस आंसर पेपर एंड द नोट और टीचर ने फिर वॉचर के आंसर सीट को उठाया फिर देखा कि अरे हाँ इसमें तो क्वेश्चन नंबर एलेवन ऑलरेडी आंसर्ड है फिर उन्होंने फिर हैंड राइटिंग को मिलाया नोट को उठाया और वॉचर के पेपर को आंसर सीट को फिर हैंड राइटिंग मिलाया अरे हाँ हैंड राइटिंग भी है डिफरेंट है ये तो सेम हैंड राइटिंग भी नहीं है ही सेट आई एम वेरी सॉरी वा चॉय आई मेड अ मिस्टेक फिर वॉचर के टीचर कहते हैं ओहो oh, सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई प्लीज़ फॉर गिव मी नाउ सेट डाउन एंड कम्प्लीट द एग्ज़ाम मुझे माफ कर दो अच्छा ये लो अपना आंसर सेट और बैठ जाओ और अपने एग्जाम कम्प्लीट कर लो हू डू यू थिंक गॉट द हाइस्ट मार्क इन द एग्ज़ाम ठीक है आपको क्या लगता है कि उस स्पेशल इंग्लिश एग्ज़ाम जो हुआ था इंग्लिश का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें हाइस्ट मार्क किसको मिला होगा वाई चॉय ऑफकोर्स ऑफकोर्स वो वाई चॉय को मिला था ऑन स्कूल डे वेन वॉय जॉय वॉकड अप टू रिसीव हिस प्राइज़ फ्रॉम डॉक्टर इब्राहम ही वॉज पेशेंसली सॉरी ही वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज ठीक है और जब स्कूल डे हुआ जब दिन आया कि आज रिज़ल्ट बताया जाएगा कि किस को हाइस्ट मार्क्स मिले हैं और फिर उसको प्राइज़ दिया जाएगा तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जब डे आया तो वॉय जॉय को फर्स्ट प्राइज़ के लिए अनाउंस किया गया और जब वॉय जॉय अपने प्राइज़ लेने के लिए जा रहा था और जब उसने डॉक्टर इब्राहिम को देखा तो वो क्या बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया ठीक है यहाँ पर ले वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज ठीक है डॉक्टर इब्राहिम वॉज द ओल्ड मैन ही हैड नॉक डाउन विथ इज बाई और डॉक्टर इब्राहिम कौन थे डॉक्टर इब्राहिम वही ओल्ड मैन थे जिसको वॉचॉय ने अपनी साइकिल से क्या कर दिया था नॉक डाउन कर दिया था नॉक डाउन मतलब धक्का मार दिया था ठीक है तो ये था स्टोरी आपका द इब्राहिम प्राइस का एंड आई एम श्योर कि आपको ये स्टोरी भी समझ में आएगा थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड किप स्माइलिंग किप स्टडिंग सी यू गाइस सून